नमस्कार, मैं ललित। और आज इस बड़े सवाल के साथ कि क्या एक बार फिर से देश में आतंकी हमलों की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या देश को दहलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? देश के अलग अलग हिस्सों से क्या पूरा षड्यंत्र रचने का खेल चल रहा है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि कोई है जो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में अमन और चैन कायम रहे। वो कौन है ये आप और हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो खबर आई वो अलर्ट करती है। ये भी बताती है कि कोई कितने भी नापाक मंसूबे क्यों ना पाल ले, उसका हर मंसूबा नाकाम कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उसने हिंदुस्तान में अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, क्योंकि झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कुल 14 लोगों को पुलिस ने राउंडअप किया है और ये पूरा ऑपरेशन खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद चलाया गया। इसमें कई राज्यों की पुलिस को भी साथ लिया गया है और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सरगना को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जो कि हिंदुस्तान में आतंकी हमलों की पूरी तैयारी में था। शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक राजस्थान से 6 और यूपी झारखंड से कुल 8 लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। इन तीनों राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बीती रात रेड यानी कि छापे मारे हैं, दबिश दी है। अकेले झारखंड में ही पुलिस ने 3 जिलों में रेड डाली, इसमें लोहरदगा है, हजारीबाग है, रांची है। 14 स्थानों पर रेड डाली गई। इन जगहों पर आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। कुल मिलाकर राजस्थान के भिवाड़ी से 6 जबकि झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि झारखंड में अलकायदा कई जिलों में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा है। ये कंफर्म होते ही बुधवार देर रात झारखंड में अधिकारियों की बैठक हुई और इसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को ATS के साथ साझा किया गया। देर रात ही टीम ने रेड भी डाल दी। ATS ने झारखंड के हजारीबाग के लोहर सिंगना थाना इलाके से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान फैजान अहमद के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये सक्रिय सदस्य है। टीम ने फैजान का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। इसके बाद टीम उसे अपने साथ लेकर रांची ले आई है। राजस्थान के भिवाड़ी से आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS की टीम ने चौपानकी से इन संदिग्धों को पकड़ा है। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। शुरुआती जांच के मुताबिक इस मॉड्यूल का संचालन रांची का डॉक्टर इश्तियाक कर रहा था। वो देश के विभिन्न इलाकों में बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ था। मॉड्यूल के सदस्यों को अलग अलग स्थानों पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। भिवाड़ी में रेड से पहले लोकल पुलिस आरोपियों पर नजर रखे हुए थी। आरोपियों की पहचान का खुलासा भी नहीं हुआ है। हालांकि इनके तार झारखंड में पकड़े गए आरोपियों से हो सकते हैं, इस कनेक्शन की पूरी संभावना है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि राजस्थान पुलिस का यह भी कहना है कि जो संदिग्ध पुलिस ने पकड़े हैं उनसे हथियार बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, पकड़ाए गए सभी लोग दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, उनका भिवाड़ी या राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बाहरी राज्यों से उन लोगों को यहाँ केवल सिर्फ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, या फिर ये यहाँ रहकर इनका मकसद कुछ और भी रहा होगा। वैसे जिस संगठन से जुड़े ये लोग बताए जा रहे हैं उसका नाम है AQIS यानी कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये नाम अभी बताया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2014 में अलकायदा के ही चीफ अयमान अल जवाहिरी ने की थी। आपको याद होगा जवाहिरी का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की बात कह रहा था। जब यह संगठन बनाया गया तब पाकिस्तान मूल का असीम उमर इसका सदस्य था, जो बाद में अमेरिका और अफगान के मिलिट्री ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान मूल का रहने वाला ओसामा महमूद नाम का एक शख्स इसका चीफ है। एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस संगठन के 200 लड़ाके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं ये जान लीजिए। इसमें भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश जहाँ पे जो बवाल चल रहा है, और म्यांमार। इस संगठन का भी मकसद इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इस्लामिक बनाने की कोशिश है। दरअसल दिल्ली में 2015 में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद AQI की जो मौजूदगी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसकी मौजूदगी का पहली बार पता चला। दिल्ली पुलिस ने बाद में AQIS के आतंकी मौलाना अब्दुल रहमान कासमी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने यह दावा किया कि इस आतंकी संगठन ने झारखंड के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप बना रखे हैं। जुलाई 2021 में यूपी पुलिस ने अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसार गजवतुल हिंद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, पिछले साल भी लोहरदगा से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ
इराक एंड सीरिया आइसिस के आतंकी फैजान और फैज की गिरफ्तारी हुई। 19 साल का फैजान इंटरनेट मीडिया पर लोगों को दहशत फैलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। उसके कॉन्टैक्ट आइसिस के विदेशी संचालकों से थे। ये भारत में कुछ बड़ी हिंसा की प्लानिंग करने की तैयारी में थे। इनका मकसद भी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का था। वैसे आपको बता दें कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस संगठन ने अब तक करीब दर्जन भर अलग अलग हमलों को अंजाम दिया है और दहशत फैलाने का काम किया है। इसी तरह के इरादे इनके भारत में भी हैं, लेकिन शुरुआत में ही हमने कहा था कि किसी के भी नापाक इरादे, नापाक मंसूबे भारत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि इस अलर्ट से आपको रूबरू करवाना ज़रूरी था। क्या कुछ आपको सजेशन लगते हैं, क्या आपके सुझाव हैं, क्या आपकी आलोचना है, सब स्वीकार्य। नमस्कार।